डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमें दिया है कि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक जो है वो 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या जो है क्या होगी, हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि हमारी संख्या अगर x है, उसमें अगर हमने 7 से गुणा कर दिया तो क्या आता है, 3 3 3 3 3 करके सारी संख्याएं 3 आती हैं। तो x का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, वो हो जाएगा 3 3 3 ऐसे भागे में 7। अब इसको हम भाग दे के देख लेते हैं कि सबसे न्यूनतम क्या होगी जिस पे वो उत्तर आता है, तो हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 3 3 3 ऐसे। अब इसको हम भाग देते हैं तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 28 हो जाएगा, 3 चौके 28, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 बच जाएगा, 5 और 3 53 हो जाएगा। अभी फिर हमारा 7 बार जाएगा तो 7 7 49 होता है, यहाँ से हमारा बच जाएगा कितना, 4, और यहाँ से एक और हम 3 उतार सकते हैं क्योंकि बहुत सारे 3 आए हुए हैं ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा 43 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 7 6 42 यहाँ से बचा 1, और एक और हम 3 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 13 है, तो ये फिर हमारा 1 बार जाएगा, ये हो गया हमारा 7 7, यहाँ से बचेगा हमारा शेष 3, फिर यहाँ हो गया हम 3 एक बार और लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 9 में 63। तो हमारी जो न्यूनतम संख्या है वो हो जाएगी हमारा 4 7 6 1 9, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 7 6 1 9, 4 7 6 1 9 सी ऑप्शन जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।